ये सरासर झूठ होगा अगर मैं कहता कि मैं हिंदी फिल्म म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ. गलत, ये झूठ होगा. इसलिए शौर्य के म्यूज़िक के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि एवरीबॉडी इट्स रॉकिंग एंड इस अंतरे में मुझे बड़ा मज़ा आया और इसमें आई डोंट लिसन हिंदी फिल्म म्यूज़िक. लेकिन जैसे सब ने प्रमोशंस देखे हैं, मैंने भी गाने सुने हैं, अदनान सॉन्ग्स आर गुड टू रियली रियली गुड. मैं अपने फिल्म के गाने के ज़रा ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो झनकार बीट्स, चमेली, प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, तक्षक में भी रहमान ने जो गाने दिए, और इसमें आई एम ब्लेस्ड विद फिल्म्स दैट हैव वंडरफुल म्यूज़िक. आई डोंट डू एनीथिंग. सो आई थिंक शौर्य विल बी एग्जैक्टली द सेम. द म्यूज़िक इज़ हमेबल, इट्स प्लीजिंग एंड इट्स वेल शॉट. मेरे लिए शौर्य का मतलब वही है जो इस फिल्म में है. इसलिए मैंने ये फिल्म किया है कि जब आपको एक सावधान होना चाहिए कि अगर आप कुछ करें तो आपका करियर, आपके जो शान शोहरत, जो औकात आप पहुँचे हुए हैं समाज में, वो सब पिघल जा सकता है अगर आप अपने सिद्धांत को पकड़ के रखें. अगर आप अपने सिद्धांत को थोड़ा सा छोड़ने के लिए तैयार हो तो मुमकिन है कि आप और भी फेमस, और भी पावरफुल, और भी रईस बन सकते हैं. तो इस फिल्म में यही एक सवाल है कि आप सिद्धांत पकड़ने के लिए आप कितनी दूर आप चल सकते हो. और ये एक मैसेज है विच आई थिंक I believe in personally as a human being. आपको देखा गया है, अभी आपने बताया कि अभी आपको देखना नहीं पड़ता है कि निर्देशक कौन है या फिर कौन सा बैनर है. क्या ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी जब शुरू करियर की शुरुआत की थी तब देखा था और अब बिल्डअप हो गई है आपकी एक इमेज, अब आपने आपको दिखा दिया कि इस तरह का मैं हूँ, इस तरह की एक्टिंग में करता हूँ, इसलिए सिर्फ अभी आपको प्रेजेंट करना होता है, इसलिए जिस तरह से आप निर्देशक नहीं दिखते या फिर देखते आपने. देखिए, पहले तो जब मैंने करियर शुरू किया था, आपको याद होगा कि कई लोगों को याद होगा कि इंग्लिश ऑगस्ट, स्प्लिट वाइड ओपन, एवरीबडी सेड आई एम फाइन, ये आर्ट हाउस मूवीज़ थे और आर्ट हाउस मूवीज़ अंग्रेज़ी में. तो इसमें बैनर, डायरेक्टर देखने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ता है. लेकिन उसके बाद मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बड़े बड़े बैनर की फिल्म्स मिले हैं. झनकार की बीट्स के बाद दो बड़े बैनर्स ने अप्रोच किए थे और अभी अभी प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स के बाद एक और एक मीडियम साइज बैनर ने अप्रोच किया था. लेकिन अब मैं समझता हूँ कि चॉइस अगर ये है कि मैं एक मसाला फिल्म एक बड़े बैनर के साथ करूँ और एक शौर्य करूँ, तो आई डेफिनेटली गो फॉर शौर्य. बिकॉज शौर्य में दोनों हैं. ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल आर्ट फिल्म है, ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल नाच के गाने के एक कमर्शियल फिल्म है. इट्स मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, बट इट्स बीइंग मेड विद एन इंटेग्रिटी एंड अ रिस्पेक्ट फॉर मी दैट आई एंजॉय. आई थिंक दैट द क्वेश्चन ऑफ बैनर इज, कल को अगर एक बड़े बैनर फिल्म ने बड़े बैनर ने मुझे एक फिल्म ऐसा दिया, जैसे मान गए मुगले आजम, इट्स अ वीनस फिल्म एंड आई लव डूइंग इट, बिकॉज इस वक्त मेरे करियर में ऐसा एक जो कहते हैं स्पेस था जो मैंने कभी भरा नहीं है. बिल्कुल जाहिर है कि भविष्य में मैं एक एक्शन फिल्म करूँगा, वो एक्शन फिल्म एक बड़े बैनर के साथ हो सकता है क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म, बट दैट्स वन थिंग आई वॉन्ट टू डू. आई वॉन्ट टू फ्लाई थ्रू द एयर, आई वॉन्ट ट्राई एक्शन वंस. तो आई एम नॉट अगेंस्ट बिग बैनर्स, आई एम जस्ट अगेंस्ट थिंग्स दैट डोंट इंटरेस्ट मी राइट नाउ. आप एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं. व्यूअर्स, वेरी हैप्पी होली, इट्स माय फेवरेट फेस्टिवल, बट मेक इट अ सेफ होली. यूज सेफ कलर्स एंड मेक श्योर दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर सेफ.